सिगरेट है क्या आपके पास? जी जी, थैंक यू वेरी मच। जनरली मैं पीता नहीं हूँ, कभी कभी दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं तो पीना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। पोटेशियम साइनाइड दुनिया का सबसे तेज जहर होता है, इसे लेते ही इंसान तुरंत मर जाता है। यही रीजन है कि आज तक इसका टेस्ट पता नहीं चल पाया है। कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे कि मिस्टर डिकोस्टा को यह जहर कहां से मिला, या तो मिस्टर डिकोस्टा ने यह जहर क्यों लिया, और अगर उन्होंने खुद से यह जहर ली होती तो किसी चीज में ली होती, जैसे कि कोई ग्लास, कुछ भी, यू नो व्हाट आई मीन, वो चीज यहां आसपास होनी चाहिए थी, इस घर में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर डिकोस्टा को किसी और ने जहर दिया है। Am I right, Mr. Shiva? जैसा कि हम सब ने देखा कि मिस्टर डिकोस्टा वो टीवी खोल नहीं सकते थे, ये उनके लिए नामुमकिन था। इसका मतलब है कि किसी ने बहुत सफाई से उन्हें जहर देने के बाद टीवी खोलकर इस पूरे हादसे को एक एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की। कौन कर सकता है? Can you suggest me? मैंने उनकी वसीयत पढ़ी। उनकी वसीयत में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि अगर उनका खून हो जाए तो उनकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दी जाए। मतलब उन्हें शक था कि उनका खून हो सकता है, लेकिन उनका खून कोई क्यों करेगा? क्यों? इस क्यों ने मुझे बहुत परेशान किया है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि उनका खून कोई वो इंसान कर सकता है जिसे मिस्टर डिकोस्टा के मरने के बाद बहुत फायदा हो। Am I right, Mrs. DeCosta? उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। 15 करोड़ की प्रॉपर्टी, quite a lot of money, no? मैंने किसी का खून नहीं किया, प्लीज बिलीव मी। तो बाद में पता चल जाएगा, फिलहाल आपको हमारे साथ हवाला चलना पड़ेगा, कुछ पूछताछ करनी है। उसके पहले मैं अपने लॉयर से बात करना चाहती हूँ। कल आप अपने लॉयर से कल बात कर सकते हैं, और फिलहाल मैं आपको मिस्टर डिकोस्टा के मर्डर एंड क्राइम सस्पेक्ट के रूप में अरेस्ट करता हूँ। ये रहा इस पर, इनको लेकर आऊँ। थैंक यू मिस्टर शिवमैन। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब जब आप आ गए हैं तो होनी होनी है। आप तो रूही को अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट कर नहीं रहा हूं, कर चुका हूं। चलिए मैम, एक मिनट, उससे पहले आप ये देख लीजिए, एंटीसिपेटरी बेल। मुझे पता था पर अंदाजा नहीं था कि आप इतनी जल्दी टपक जाएंगे। मैं तो इससे भी जल्दी आ जाता, लेकिन थोड़ा बिजी था। मैं जानता था कि आप ऐसी ही कोई हरकत करेंगे, और हाँ, आपके जो आदमी रूही के घर की तलाशी ले रहे हैं उनसे कहिए कि अगली बार सर्च वारंट लेकर आए, नहीं तो उनकी नौकरियां जा सकती हैं। आई एम श्योर वो आपके पास नहीं हो। हाँ ठीक है ठीक है, माने। यस सर। बोलो स्टाफ लोग को उधर से जाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें लेकर कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। मिस्टर मेनन, आपको भी कोर्ट में आना पड़ेगा, आपकी जरूरत पड़ेगी। जी, गुड नाइट ऑफिसर। आप भी चलिए। वही चलो, मुझे तुमसे कुछ बात कर।
हेलो सर, ऑफिस में आपको कोई इंतजार कर रहा है। ओके। देखिए सर, मैं जानता हूँ कि आप बहुत जाने माने लॉयर, अगर आप चाहें तो रूही पड़ सकती है। सर मैनन, मैंने आपका केस पढ़ा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है रूही का बसना। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ सर। अगर आप चाहें तो मैं आपके केस का सुपरविजन कर सकता हूँ, मैं आपको अपना एक असिस्टेंट दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये केस खुद लड़ें। मिस्टर मैनन प्लीज, मैं खुद कोर्ट में जाकर बहुत कम केस लड़ता हूँ। यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड माई चार्जेस। आपके जो भी चार्जेस हैं सर, वो आपको मिल जाएंगे। आप बेकसूर है, और अगर आप चाहें तो आप उसे बचा सकते हैं। प्लीज प्यार करते हैं उससे। केस बिल्कुल सीधा है और दिलचस्प है। मिसेस रूही टिकोस्टा ने अपने पति का खून किया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी ये दरखास्त है कि कोई भी इल्जाम लगाने से पहले सरकारी वकील मिस्टर भोसले पहले कुछ साबित तो करें। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू मिलॉर्ड। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी अपाहिज जिंदगी से तंग आकर खुद मिस्टर रॉकी डिकोस्टा ने आत्महत्या की है, और ये बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। योर ऑनर, रूही डिकोस्टा के अपने पति के साथ संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे, यही साबित करने के लिए मुझे कुछ गवाहों को अदालत में बुलाने की इजाजत दीजिए। इजाजत है। थैंक यू सर। अब मैं अदालत के सामने एक अहम मुद्दा पेश करना चाहता हूं। मिस्टर रॉकी डिकोस्टा की मौत से मिसेस रूही डिकोस्टा को 15 करोड़ का फायदा हो सकता था, ऐसा उनकी वसीयत में लिखा है। मिस्टर रॉकी डिकोस्टा मेंटली स्टेबल नहीं थे, मिसेस रूही पर टॉर्चर भी करते थे, यह पहले भी मैं साबित कर चुका हूं। योर ऑनर, और एक अपाहिज पति सिवाय बोझ की और क्या हो सकता है, यही मिसेज रोही समझते थे, इसीलिए उन्होंने इसका खून कर दिया। I object, my lord. एक बार फिर सरकारी वकील बिना कुछ साबित किए इल्जाम लगा रहे हैं। Sustained. Thank you, my lord. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर रॉकी की मौत साइनाइड से हुई, पर पूरे घर में साइनाइड कहीं मिला ही नहीं। और जज साहब, एक खास बात, यही मिसेज रोही डिकोस्टा इससे पहले भी इसी जुर्म में पकड़ी गई थी, और इन पर मुकदमा भी चलाया गया था। अपने पहले पति के खून के इल्जाम में
छुपा क्यों नहीं? कितनी सारी बातें छुपाई, आखिर क्यों? अरे अगर रॉकी को तुम्हें मारना ही था, उसे साइनाइड देना ही था, तो तुम कम से कम एक बार मुझसे पूछ। शिव, मैंने रॉकी को साइनाइड नहीं दिया, प्लीज मेरा विश्वास करो। और जायदाद? मैं तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई थी, फिर जायदाद के लिए उसे क्यों मारूं? मुझे वाकई इस बात का कुछ पता नहीं था शिव। समझ में नहीं आ रहा शिव, मैंने मेरी पहली शादी की बात तुमसे छुपाई, क्या इसलिए तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे? नहीं रूही, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करूँ, लेकिन आखिर रॉकी को साइनाइड दिया किसने? इस बात का पता लगाना होगा। चल जाएगा रॉकी को साइनाइड किसने दिया। कहिए मिस्टर मैनन, कैसे आना हुआ? जी सर, वो ये शायद उसी ग्लास के टुकड़े हों जिसमें साइनाइड हो। What? उस दिन जब रॉकी के घर से मैं पुलिस को फोन करने के लिए आगे बढ़ा तो मेरे धक्के से एक ग्लास नीचे गिर गया था। इसके टुकड़े किसी के पैर में नहीं लगे, इसलिए मैंने उन टुकड़ों को एक प्लास्टिक बैग में जमा करके कहीं गार्डन में फेंक दिया था। कल ये टुकड़े मुझे वहीं से मिले। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? देखिए सर, समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं जानता था कि इस केस में साइनाइड है। मैं आपको अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूँ। I'm sorry सर, लेकिन Okay, you can go now. लेकिन सर, आपसे एक बात कहनी थी। रूही बिल्कुल बेकसूर है सर, वो ये खून नहीं कर सकती। I said you can go now. Just go. तो क्यों टेंशन ले रहा है यार? रूही को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रूही। अब वैसे भी यार तेरे लिए यहाँ पर बैठकर सोचने से क्या होगा? हम लोग यहाँ पर टेंशन लेने नहीं आए यार। अरे उठना यार, तू जाए, तू डांस कर, मैं आता हूँ। किसी को जबरदस्ती मौत दे तो वो इंसानियत की नजर में गुनाह है।
माय लॉर्ड, अब तक आपने कई सबूत देखे होंगे, इससे कई सवाल उठते हैं और वो सारे यही कहते हैं कि मिस्टर रॉकी डिकोस्टा का खून मिसेस रूही डिकोस्टा ने किया। मिलॉर्ड, अब तक इस केस में एक भी गवाह ऐसा नहीं आया है जो ये कह सके कि उसने अपनी आंखों से मिस्टर रॉकी डिकोस्टा को मरते हुए देखा। यहां तक कि मिसेस रूही डिकोस्टा पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो भी साबित नहीं हुए। मिलॉर्ड, अब मैं अदालत के सामने कुछ ऐसी बातें पेश करना चाहूंगा जिनसे साबित हो जाएगा कि मिसेस रूही डिकोस्टा निर्दोष है। मिलॉर्ड, मेरा दावा है कि अब जो गवाह मैं कोर्ट में पेश करने जा रहा हूं उससे पूरे केस का रुख पलट जाएगा। मिलॉर्ड, वो है मेरे गवाह रॉकी।